शिमला राजीव भवन में कांग्रेस पार्टी प्रदेश एससी सेल की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के सह प्रभारी संजय दत्त ने शिरकत की। उनके साथ डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल पूर्व मंत्री एमएलए सोलन विशेष रूप से उपस्थित रहे। धनीराम शांडिल ने इस मौके पर कहा कि भाजपा सरकार अनुसूचित जाति वर्ग को नजरअंदाज कर रही है। अभी तक उन्होंने अनुसूचित जाति वर्ग के उत्थान के लिए कोई योजना नहीं बनाई है और न ही प्रदेश में उनके हितों को लेकर कोई बैठक की है। वह केवल यूज एंड थ्रो की राजनीति कर रहे हैं, जिसका खामियाजा उन्हें आने वाले वक्त में भुगतना पड़ेगा। मैंने कम से कम 14 स्टेट से पूरे कमीशन के पेपर मंगाए एज ए मिनिस्टर, और ये गठित भी हो चुका है। अमित नंदा जी हमने इसके चेयरपर्सन भी लगाया, आपको सबको मालूम, परंतु भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद ये झंडे बस्ते में लगा दिया। हर एक समुदाय के अलग अलग, चाहे लगान थे चाचू से कोई भी वर्ग था, सबके हमने बोर्ड बनाए, सबकी मीटिंग हुई, एक एक दो तोड़ तो सबकी हुई, और अभी किसी की मीटिंग नहीं हुई, न हुई और न शायद होगी। क्यों? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ आपका, जैसे सुनकर जी ने बात यही थी, दे ओनली नो हाउ टू यूज एंड देन थ्रो। बहुत अच्छी बात कही आपने, अगर इस चीज का हमें ज्ञान है तो उसका मतलब हम आगे बढ़ सकते हैं। रविंद्र सिंह के समय में अच्छे अच्छे बोर्ड का गठन हुआ, सभी रिप्रेजेंट हुए, परंतु आज सभी के सब कहीं भी नहीं। अगली बात जो बताना चाहता हूँ आपको, ये भ्रमित करने वाली बात, ये भ्रमित करते हैं। इनके पास वही केवल थ्योरी ऑफ लाइफ है कि किसी चीज को 100 बार बोलो 101 बार वो सत्य बन जाता है, और वो इनके पास इसकी कला भी है। शायद हमारे कांग्रेस पार्टी में सचमुच में हुआ ना करके कला आए, परंतु हमें कॉम्बेट करना पड़ेगा, मुकाबला करना पड़ेगा, उसके लिए साधन जुटाने होंगे। अच्छी बात कही बहुत सुरेश जी ने कही और भी कही, और आप में से कई ने कहा कि हमारे लोग बहुत फाइनेंशियली वीक है, किस प्रकार से ये लोकतंत्र बचेगा अगर ये चीजें नहीं, क्योंकि उनका पैसा बहुत है, इनका दफ्तर देखिए दिल्ली में जा सकते, इनकी और सब चीजें देखिए और अपना भी देखिए, हमारा उनके सामने फाइनेंशियली वी आर रेडी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी हमारा वीक होता है, लेकिन हमें इसको सुधारना है। जो सचिव महोदय संजय दत्त कर रहे हैं, उन एक बार फिर कहूँगा बहुत प्रशंसनीय काम कर रहे हैं और संगठन की मजबूती के लिए बहुत बड़ा कदम है। अगर हम सचमुच में सामना करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी का, तो आओ मिलकर एक संकल्प में, और वो संकल्प वही है कि भाई कांग्रेस एक माँ जननी है, वो सबका ध्यान रखती है, रखा भी है, तो उसको हम धोखा ना दें। अगर ये संकल्प मन में रख लिया तो हम सचमुच में 2022 में हटकर वापिस आएंगे। और मैं समझता हूँ बहुत सारे पॉइंट आपने बता दिए, अगर मैं ज्यादा समय लूंगा तो ओबीसी वाले भी लेट हो जाएंगे, और संजय जी तो पहले भी उन्होंने 6 दिन तक लगातार कर्मयोगी करा रहे बने, हमारे में से मैं भी स्वयं काम कर रहा हूँ 3 स्टेट, पर तो हम भी इतना काम नहीं करते थे। हम एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, और आप सभी घर पर सुरक्षित रहें, कोरोना नियमों का ठीक से पालन करें, हम सभी मिलकर कोरोना को हरा सकते हैं। इस संकट काल में कांग्रेस और मैं सदैव आपके साथ हैं, डटकर मुकाबला करें, घबराएं नहीं।